नमो नमः। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूँ ममता ठाकुर और आज मैं 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक मंथन भाग 3 का पाठ 8 गणतंत्र दिवस इस पाठ का प्रश्न अभ्यास हल करने वाली हूँ। तो ये है इसका पहला प्रश्न, उचितम पदेन उत्तरम दीयताम। उचित पद में उत्तर दीजिए। पहला भाग है, भारतः कस्मिन् वर्षे स्वतंत्रः अभवत्। 1947 तमे वर्षे। गणतंत्र दिवसः कस्याम तारिकायाम समायोज्यते। जनवरी मासस्य 26 तिथौ। रात्रौ भवनेषु कैः प्रकाशः क्रियते? विद्युद्दीपकैः। राज्येषु कैः समारोहं समायोज्यते? मुख्यमंत्रिभिः। 1950 ईस्वी आब्दे किम् अभवत्? नवीनं संविधानं संचारितम्। रेखांकित पद को आधार मानकर प्रश्न निर्माण कीजिए, अर्थात जिस शब्द पर नीचे रेखा लगी हुई है, जिस शब्द के नीचे रेखा लगी है उसके आधार पर आपने प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रश्न निर्माण करते हुए आपको इस ढंग से प्रश्न निर्माण करना है कि उत्तर जो है स्वतः ये लगना चाहिए कि ये आपसे जो पूछा जा रहा है उसका उत्तर ये होना चाहिए जो रेखांकित भाग है। तो क है जनाः भारत द्वारे संघी भवन्ति। प्रश्न, जनाः कुत्र संघी भवन्ति। अब यहां पर देखिए, अगर खाली आपको उत्तर नहीं दिया गया है, आपसे पूछा जाए जनाः कुत्र संघी भवन्ति, तो आपका उत्तर होगा भारत द्वारे। शोभा यात्रा रक्त दुर्गे समाप्तिम गच्छति। किम रक्त दुर्गे समाप्तिम गच्छति, और यहां पर लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। सैनिकाः राष्ट्रपतिम अभिनंदन्ति। सैनिक राष्ट्रपति का अभिवादन करते हैं, तो सैनिकाः की जगह हो जाएगा के राष्ट्रपतिम अभिनंदन्ति। प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइएगा। उसके बाद है राज्यानाम शोभादृश्यानि अपि तत्र प्रस्तुयन्ते। राज्यानाम कानि तत्र प्रस्तुयन्ते, प्रश्नवाचक चिन्ह। गणतंत्र दिवसः भारताय गौरवप्रदः अस्ति। गणतंत्र दिवसः कस्मै गौरवप्रदः अस्ति, किसके लिए गौरवप्रद है, और प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न 3, निम्न पदानाम धातु वचनम लकारः पुरुषः च लिखत। इसमें आपको धातु लकार वचन और पुरुष लिखना है। मैंने यहाँ पर वचन जो है पहले भर दिया था पेंसिल से, बाद में थोड़ा सा चेक किया तो यहाँ पता चला यहाँ पर आपको वचन लिखना था, जहाँ पर मैंने पुरुष लिख दिया, तो यहाँ पर बाद में मैंने पेंसिल से पुरुष और यहाँ पर वचन लिख दिया है ताकि मुझे इतना सारा मिटाना ना पड़े। तो आप इसको अपने आप ही इस इधर वाला जो है आप इधर लिखिए और इधर वाला जो है इधर लिखिए, ताकि आपको इस तरह से कटिंग ना करनी पड़े। तो जानीथ यहाँ पर ज्ञा धातु है, लट लकार, मध्यम पुरुष, बहुवचन। अजायत जन धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। क्रियते क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। वर्तते वृत्त धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। यहाँ पर देखिए मैंने वाच्य इसलिए लिया लिखा है क्योंकि क्रियते और वर्तते दोनों जो है कर्मवाच्य या भाववाच्य में प्रयोग किए जाते हैं, और वाच्य आपने जो है अपने व्याकरण में अवश्य पढ़े होंगे। उसके बाद देखिए कुर्मः क्री धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। भविष्यति भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रश्न 4, अधोलिखित शब्दानाम वाक्येषु प्रयोगम कुरुत। ये चाहे तो आप स्वयं भी कर सकते हो, लेकिन संस्कृत थोड़ी जटिल हो सकती है, इसलिए मैंने भी आपकी सहायता करने के लिए कुछ वाक्य बनाए हैं। इनको देखिए किस प्रकार से है। महोत्सवम अद्य वन महोत्सवम अस्ति। विद्युद्दीपकैः वयम् विद्युद्दीपकैः प्रकाशः कुर्मः। अपि अहम् अपि विद्यालयम् गच्छामि। स्वतंत्रता दिवसः अद्य स्वतंत्रता दिवसः अस्ति। तिथौ सप्तम्यां तिथौ मम जन्म दिवसः भवति। लक्षशः दीपावल्यां लक्षशः दीपकाः भारतवर्षं सज्जीकुर्वन्ति, कि दीपावली में लाखों दीपक जो है भारतवर्ष को सजाते हैं। प्रश्न 5, अधोलिखित गद्यांशं पठित्वा प्रश्ननाम उत्तराणि लिखत।
भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, परंतु भारत का नया संविधान 1950 में जनवरी महीने की 26 तारीख को लागू हुआ, भारत गणतंत्र हुआ। तो ये तो था इसका हिंदी अनुवाद। अब इसका एक शब्द में आपको उत्तर देना है, भारत कदा स्वतंत्र अभवत। अब यहाँ पर आपका उत्तर होगा बस इतना सा, ठीक है, 1947 तमे वर्षे। उसके बाद नवीनम संविधानम कस्मिन मासे संचारितम अजायत। अब यहाँ पर केवल मास पूछा गया है, मतलब महीना, तो जनवरी मासे, मासस्य नहीं लिखना है आपने, मासे यहाँ पर पूछा है, तो आप उत्तर भी मासे ही लिखोगे। अब अगले पृष्ठ पर ख भाग देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, भारत कदा गणतंत्र अभवत, भारत कब गणतंत्र हुआ। अब इससे षड्विंशायाम तारिकायाम, तो इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है। इस तरह की और कुछ वीडियोस यदि आप चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जो है उस पाठ का नाम बताइए जिस पाठ की आपको जानकारी चाहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।